अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको कोजैक की सब्जी बनाने की रेसिपी दूंगी। ये कोजैक, ये देखिए इस तरह, ये इंग्लिश वेजिटेबल है जो कि पाकिस्तान में हम तोरियां बनाते हैं, तो इस किस्म की सेम टेस्ट तो नहीं है लेकिन सेम उसी तरह भी बनती हैं, टेस्ट सेम उसी तरह है लेकिन इसको कोजैक बोलते हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। इसमें जो चीजें ऐड करेंगे वो सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक टमाटर लिया है, एक मेरे पास ये ऑनियन है नॉर्मल साइज का। इसके अंदर मैं जो डालूंगी वो टर्मिक पाउडर, चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट है जो कि मैंने हाफ टी स्पून लिया है इन सब का। फिर उसके साथ ही मेरे पास ये कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सबसे एंड में जब मैं इसको बना लूंगी। तो सबसे पहले आइए अब हम प्याज को काट के थिन स्लाइस में तो इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने ये प्याज डाला है पैन में और साथ ही आप इसमें ऑयल शामिल कर लें और इसको बस आपने लाइट ब्राउन करना है। उतनी देर में आपने टमाटर जो मैंने एक बताया था उसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। कोजैक को भी आपने इस तरह से छील के इसके छोटे छोटे से आप पीस कर ले, मैं आपको दिखाऊंगी जितने जितने करने। तो ये टमाटर जो है, ये जो प्याज है ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब मैंने जो आपको मसाले बताए थे, चिली और रेड चिली, नमक और टर्मिक पाउडर और टमाटर, वो सारे आपने ये देखे, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के नमक मिर्च और हल्दी में और साथ टमाटर काट के, तो आपने ये इसके अंदर ऐड कर दिया। जब आपका आधा मसाला भून लें आप आधे मसाले को, तो फिर इसके अंदर साथ ही आपने कोजैक शामिल करने हैं। ये देखिए, ये मैंने काट के पहले रखे हैं, तो आपने ये सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बहुत जल्दी जल जाने वाली सब्जी है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, पानी भी बहुत छोड़ती है। जब आप देखें कि जब इसका पानी सारा इसने छोड़ा है तो बस हल्की आग पे इसको पहले 2-3 मिनट रख लें, जब पानी छोड़ेगी तो तेज आग करके, तो आप इसको अच्छे तरीके से भून लें और एंड में फिर इसको हरा धनिया डाल के, हरी मिर्चें डाल के, अगर आप पसंद करते हैं हरी मिर्चें डालना तो इसको थोड़ी देर के लिए बस दम दे दें। देखिए कितना अच्छा इसका कलर सब्जी का भी आया है। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको हल्की आग से करके, तो इसको मैंने कुक किया था तो तकरीबन ये गल चुकी है सारी। ये देखिए इस तरह से जब टूटना शुरू हो जाए तो समझे कि ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने इसको बिल्कुल फुल तेज आग करके, तो इसका पानी जो है मैं ड्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। पानी ड्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैं कोरिएंडर से इसको गार्निश करूँगी और फिर ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी। हाँ जी, तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कुक कर लिया है, बहुत पानी भी इसका अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया है। तो मैंने एक दो हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर काट के मैंने ऐड की हैं, तो अब मैं इसके अंदर ये कोरिएंडर है ये सारा ऐड करूँगी और इसको बस आप मिक्स करके, तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें ताकि कोरिएंडर की जो खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए। और ये अब हमारी सब्जी जो है बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि